नमस्कार, कैसे हो आप सब। आजकल हम एक्शन मूवीज देखते हैं, बहुत से इफेक्ट्स देखते हैं, बहुत पैसा खर्चा किया रहता है, लेकिन उस एक्शन सीन में जान डालने के लिए कितने भी प्रयत्न करते हैं, उसके बावजूद भी है उस सीन में वो जोश नहीं होता, वो दम नहीं होता। मैं उदाहरण के तौर पे यही आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ सीन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उदाहरण के तौर पर ये सीन देखिए। पर मुसीबत आ गई। कौन खोला दुकान? इसका दुकान है? हाँ मैंने खोला, क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ, क्या करेगा तू बोल ना। गिनती ले, अरे बोल। एक दो तीन चार। ए ए तेरी तो ए ए ए ये 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 मार, तू मार। ए ए कोई बीच में ले आएगा आज खबर छा। बोला ना कोई बीच में आएगा। हाँ ना बोला ना। हाँ आपको नहीं लेगा ना डूलेगा। कैसे लगा? आपने भी जरूर महसूस किया होगा जैसे मैंने महसूस किया, वो जोश। इस मूवी का नाम है, आप सब जानते हैं, घातक। घातक एक कल्ट क्लासिक रचना है। ऐसी फिल्म दोबारा कभी नहीं बन सकते। इस फिल्म का लोकप्रिय एक डायलॉग है, यह मजदूर का हाथ है काफिया। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। ये डायलॉग की वजह से हम सबको याद है, लेकिन बहुत से डायलॉग है इस मूवी में, लेकिन ये मूवी उससे भी बहुत गुना अधिक है। और एक सीन देखिए, फिल्म के एक सीन में काशी का पिता अस्पताल में भर्ती होता है, और जब उनको पता चलता है कि उनके पिता को कैंसर हो गया है, तभी ये बात उनको अपने पिता से छुपानी होती है। लेकिन काशी अपना दर्द छुपा नहीं पाता और अपने पिता के सामने रोने लगता है। ये सीन जितने भी बार देखो हर बार इमोशनल कर देता है और साबित कर देता है सनी पाजी और अमरीश पुरी जी जैसे एक्टर बॉलीवुड में दोबारा नहीं हो गए। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है? बाबूजी, उन्होंने दवाई दी है, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े डॉक्टर है, नर्स है। बाबूजी, आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है। फिर हम बनारस ही चले जाएंगे, वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं। मुन्ने का मुंडन भी करवाना है, वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है, स्कूल का उद्घाटन करवाना है। ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे, 2-4 महीने में। अच्छा Thank you.
बेटा देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची कुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं। बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, चल। ना ना बेटा, ना काशी, ना ना, ना काशी। चल बेटा, चल देख लेगा, चल चल बेटा, चल उठ उठ बेटा, उठ बेटा, और देख घर में किसी से मत कहना, वो खाम खा परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल बेटा, उठ उठ, चल उठ उठ, आसमा उठ, चल बेटा उठ, उठ बेटा काशी, उठ आजा। फिल्म के इन दृश्यों में ऐसा ही एक सीन है, काशी का भाई काशी से कहता है मैं ये जगह छोड़ के गांव जा रहा हूँ, जो हमारी जमीन है वहां पे खेती बाड़ी करूंगा और लाइफ जीऊंगा। इसके जवाब में काशी कहता है इतनी रात के यहाँ शराब पी है, ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। बनारस में अपनी जमीन है ना? बुजदिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा, किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ अधिकार हक सब बकवास है। यहाँ तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन मां भैया मां, वो जमीन जिसे ईशान ने आपको दो वक्त की रोटी दी उसे छोड़ के चले जाइए आप। वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की बुनियादी परवरिश की उसे छोड़ कर चले जाइए आप। वो जमीन जमीन नहीं आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सीन भी भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक सीन है। ऐसे डायलॉग बच्चों में एक दो बार ही निकलते हैं, ऐसे लिखना भी बहुत मुश्किल है। देखने वालों के रगो रगो में ये सीन जोश भर देता है। ऐसे ही इस मूवी के कुछ सीन्स है, ये डायलॉग्स है, जिसका इफेक्ट मुझ पे भी बहुत गिरा है। ये मूवी देखता हूँ तो मन में जोश पैदा हो जाता है। तो अब तक के मेरे जीवन के सफर में मैं बहुत ही अहमियत दूंगा ऐसे मूवीज को, जिनका एक पॉजिटिव थॉट लाने में इनका बहुत बड़ा हेल्प है। इतना जोश है मूवी में, तो ऐसे एक्टर, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे मूवीज बनना बहुत ही दुर्लभ है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक उत्कृष्ट अभिनेता अमरीश पुरी जी और सनी देओल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, ऐसे डायरेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतनी बेहतरीन मूवीज बनाई, जो लोगों में पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, जोश देते हैं। ये जो शेयर किया हुआ जो विषय है आपको अच्छा लगा होगा, अगर कुछ आपकी राय होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।